हेलो एंड वेलकम टू साइथोमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 मैट्रिसेस, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज दिस एंड सी मैट्रिक्स इज दिस। हमें तीन मैट्रिसेस गिवन हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बोला गया है फाइंड कीजिए ए प्लस बी। तो हमें पता है ए प्लस बी अगर हमें फाइंड करना है, दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जस्ट उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। और एडिशन सिर्फ तभी डिफाइंड है जब इन दोनों मैट्रिसेस का जिनको हम ऐड करें उनका ऑर्डर सेम हो। तो ए मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है ऑर्डर 2 की, बी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की है, सी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 की है। तो ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब डिफाइंड है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ए का पहला एलिमेंट प्लस बी का पहला एलिमेंट, ए वन वन प्लस बी वन वन ये आ गया 3, ए वन टू प्लस बी वन टू यानी आ गया 7, ए टू वन प्लस बी टू वन तो ये आ गया 1, और ए टू टू प्लस बी टू टू तो ये हमारे पास आ गया फिर से 7। तो ए प्लस बी तो हमारे पास ये आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें ए माइनस बी करना है, तो इस बार भी हमें क्या करना है, जस्ट अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इनके हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, 4 माइनस 3 हो गया 1, 3 माइनस माइनस 2 हो गया 5, और 2 माइनस 5 हो गया माइनस 3। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमें क्या करने को बोला है, थर्ड में बोला है 3a माइनस c। तो पहले तो हम 3a यानी मैट्रिक्स ए को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स को जब हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके हर एक एलिमेंट को उस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये है के इंटू दिस मैट्रिक्स। तो 3 इंटू ए का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टू ज़ा 6, 3 फोर ज़ा 12, 3 थ्री ज़ा 9, 3 टू ज़ा 6, 3 हमारे पास ये आएगा, और इसमें से हमें माइनस करनी है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, माइनस 2, 5, 3, 4। तो ए आई जे माइनस बी आई जे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3a माइनस सी क्या निकल कर आएगा, 3a माइनस सी आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस 2 यानी 8, 12 माइनस 5 यानी 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनकर आ गई 8, 7, 6 और 2 जिसके एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में इसके हमें कह रहे हैं कि फाइंड प्रोडक्ट ए बी। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 2, 4, 3, 2, ये मैट्रिक्स ए है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से 1, 3, माइनस 2, 5। इस मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों को ऑर्डर सेम है, ये भी 2 ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर भी 2 है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, यानी ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। ठीक है, हम कर सकते हैं। तो ये हम क्या फाइंड करें, हम फाइंड करें ए बी। हम फोर्थ पार्ट यहाँ पर सॉल्व करें। तो ए बी जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमने सीखा था कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स को n बाई p ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m बाई p। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 यानी 2, 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 एंड माइनस 4, एंड फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 10। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनकर आई, ये हमारे पास बनकर आई माइनस 6, 26, माइनस 1 एंड 19, ये आ गया ए बी। इसके बाद हमें फिफ्थ पार्ट में फाइंड करना है बी ए। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, बी ए अब हम फाइंड कर रहे हैं, यानी बी हम पहले लिख रहे हैं बी मैट्रिक्स को 1, 3, माइनस 2, 5, और ए मैट्रिक्स को हम बाद में लिख रहे हैं 2, 4, 3, 2। तो मैट्रिक्स बनेगी 2 बाई 2 ऑर्डर की, क्योंकि ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर की है, तो एक 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिलने वाली है।
कैसे निकालेंगे? पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 × 2 प्लस 3 × 3, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 4 प्लस 3 × 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 2 प्लस 15, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 × 4 प्लस 5 × 2 यानी 10। तो हमारे पास मैट्रिक्स कॉन्स क्या बनकर आई है? ये बन गया हमारा 11, 10 और 11 एंड 2। ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ हमें दिखाई दिया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। बी ए हमारे पास आई है ये मैट्रिक्स, और ए बी हमारे पास आई थी ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, दो मेट्रिसेस हमें दे रखी हैं और हमें बोल रहे हैं कि इन्हें ऐड कीजिए। तो क्या क्या मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है? ए बी माइनस बी ए, इसमें हमें ऐड करना है ए बी माइनस बी ए। तो क्या करेंगे? सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। ए प्लस ए बन जाएगा 2A, बी प्लस बी बन जाएगा 2B, माइनस बी प्लस माइनस बी बन जाएगा -2B, और ए प्लस ए बन जाएगा 2A। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सॉरी, यहाँ पर माइनस भी नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ बी है, यहाँ पर बी है। तो ये तो हमारा चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बी है सिर्फ, तो माइनस बी प्लस बी ये हो गया 0। तो मैट्रिक्स आ गई 2A 2B 0 2A, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ऐसे सेकंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बोल रहे हैं मैट्रिसेस हैं हमारे पास, पहली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स 2AB 2BC -2AC एंड -2AB। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है जस्ट। तो पहला तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में ऐड कर देंगे 2AB, और ए इसका C12 क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, में ऐड कर देंगे 2BC, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2AC, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB। तो यहाँ तो हमें आइडेंटिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है, तो हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC से हम लिख सकते हैं बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो जस्ट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें ऐड कर देने हैं। क्या मैट्रिक्स निकल कर आएगी? -1 प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, 4 प्लस 7 करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 11, -6 प्लस 6 आ जाएगा 0, 8 प्लस 8 आएगा 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 21, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, 8 प्लस 2 10 एंड 5 प्लस 4 9। ये आ गया हमारा आंसर। फोर्थ में भी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसे बनकर आएगी। कॉस स्क्वायर एक्स में ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम ऐसे यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1। ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहे हैं कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। दो मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं, सपोज ये मैट्रिक्स ए है ये बी है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी फाइंड करना है। तो रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज। क्या क्या आएगा हमारे पास? ए बी की मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज ए बी से करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ए इंटू माइनस बी यानी माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए यानी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू ए यानी माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी यानी प्लस ए बी, और यहाँ आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी हो गया बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गए, सब 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर।
सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ भी हमें दो मेट्रिसेस हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है। मेट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ पर क्या था, 2 बाई 2, 2 बाई 2 था, तो हमारी एक 2 बाई 2 ऑर्डर की मेट्रिक्स बनी थी। यहाँ ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 बाई 1, और इसका ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 1 बाई 3। तो हमारी जो मेट्रिक्स बनकर आएगी वो बनकर आएगी 3 बाई 3 ऑर्डर की मेट्रिक्स। 3 बाई 3 ऑर्डर की मेट्रिक्स हमारे पास बनकर आने वाली है। और थोड़ी सी जगह छोड़ लेते हैं, यहाँ पर बड़ी सी मेट्रिक्स बनकर हमारे पास आने वाली है 3 बाई 3 ऑर्डर की। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 यानी 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 2, 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये आ गया 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3, 9। थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी 3, 4, 12। तो ऐसी कुछ मैट्रिक्स हमारे पास ये बनकर आ जाएगी, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 12। 3 बाई 3 मैट्रिक्स हमें एक मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है हमारा, अब सेकेंड पार्ट तक हमने कर लिया था, थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई करना है हमें मैट्रिसेस को। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, तो ए भी हम फाइंड करेंगे। 2 बाई 2 मैट्रिक्स, ये पहली है 2 बाई 2 मैट्रिक्स और ये है 2 बाई 3 मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो डिफाइंड है। और जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आने वाली है वो आने वाली है 2 बाई 3 मैट्रिक्स। 2 बाई 3 मैट्रिक्स यानी उसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो को करते हैं पहले, फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 यानी 1, प्लस -2 इंटू 2 यानी -4, ऐसा कुछ आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2, 2, -6, फिर 1 इंटू 3, 3 और -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 2, 6, 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 इंटू 3, 9 और 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 इंटू 1, 3। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स -3, -4, 1 और 8, 12, 9, ऐसे कुछ मैट्रिक्स, सॉरी 13 और 9, ऐसे कुछ मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आ गई। 2 बाई 3 मैट्रिक्स है एक ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं 3 बाई 3 ऑर्डर की। तो हमारे पास 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनकर आनी है। तो फटाफट से हम मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाते हैं इसको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 4, 3 12। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो -6, एलिमेंट वाइज कर रहे हैं मल्टीप्लाई, +6 प्लस 0। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 10 प्लस 12 प्लस 20, ऐसा कुछ आ रहा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 15। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -9 प्लस 8 प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 15 प्लस 4 इंटू 4, 16 प्लस 5, 5 25। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 0 प्लस 18। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये आ जाएगा -12 प्लस 10 प्लस 0, और ये आ जाएगा हमारे पास, थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस 20 प्लस 30। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आई, क्या क्या एलिमेंट्स हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें 14, 0, 42 और 18, -1 और यहाँ आ गया 56। ये हो गया हमारा 22 और ये हो गया हमारा माइनस का 2 और ये हो गया 70। ऐसी एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आ गई। फिफ्थ पार्ट में भी हमें इसकी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई फटाफट से कर देते हैं इसको हम। बनेगी मैट्रिक्स कैसे, ये है हमारी 3 बाई 2 मैट्रिक्स और ये हमारी 2 बाई 3 मैट्रिक्स। तो एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। तो 2 1 2 और -1 इंटू -1 इंटू -1 हो गया -1, तो 2 -1 पहला आ गया, पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया 1 और फिर 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 2 ये आ गया 2
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 × 1 2 + 1 × 1 यानी 3, 1 2 3 आ गए। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम करते हैं तो 3 − 2 ये भी 1 आएगा, और 3 × 0 0, 2 × 2 4, 3 × 1 3 2 1 2, 5 आ गया यहाँ पर, −1 −1, फिर आ गया −2 0 2, और −1 + 1, तो ये आ गया 0। तो ये मिल गई हमें हमारी 3 by 3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करना है तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 2 by 3, और दूसरी का दिखाई दे रहा है हमें 3 रोज 2 कॉलम्स यानी 3 by 2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगी, 2 रोज और 2 कॉलम्स उसमें होंगे। पहली रो और पहले कॉलम का करते हैं, 3 × 6 −1 + 9, और दूसरा क्या बनेगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो −9 −1 × 0 0 + 3 × 1 यानी 3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा −2 + 0 × 1 यानी 0 + 2 × 3 यानी 6। −1 × −3 हो गया 3 + 0 × 0 हो गया 0 + 2 × 1 हो गया 2। तो क्या बनकर आ गया हमारे पास, एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनकर आ गई, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। क्या क्या, 9 + 5 ये हो गया 14, और यहाँ आ गया हमारे पास −6, ये हमारे पास आ गया 4, और ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। हमें दे रखी है दो मैट्रिसेस, ए तीन मैट्रिसेस दे रखी है, ए मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, बी मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, और सी मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, और हमें कह रहे हैं कि कंप्यूट कीजिए a + b and b - c, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि a + b - c = a + b - c। ठीक है, तो a + b जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, जस्ट ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना, aij + bij, ऐसे एक मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आएगी। तो बना लेते हैं, 1 + 3 हो गया 4, 2 − 1 1, −3 + 2 हो गया −1, 5 + 4 9, 2 7, ये हो गया 3, ये हो गया −1, और 1 + 3 हो गया 4। तो ये तो आ गई a + b। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, b - c निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे b और c के, aij - bij, 3 − 4 हो गया −1, −1 - 1 हो गया −2, और यहाँ आ गया फिर 0, 4 − 0 यहाँ आ गया −1, ये हो गया 3, और 2 − 1 1, 0 − −2 हो गया 2, और 3 − 3 हो गया 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार तो हमें a + b में से c सब्ट्रैक्ट करना है। तो RHS हमारी क्या है, RHS हमारी है a + b मैट्रिक्स जो हमने ये ऊपर बनाई है, इसमें से हमें c मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कर देते हैं, a + b है ये और c है ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, 4 − 4 0, 1 − 1 0, −1 − 2 हो गया हमारा −3, फिर यहाँ आ गया 9 − 1 और 5, और यहाँ आ गया हमारा 3 − 1 किया तो आ गया 2, और −1 −−2 यानी 1, और ये आ गया 4 − 3 यानी 1। ये तो हो गई RHS। LHS सॉल्व करके देखते हैं। LHS में हमें क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स ऐड करनी है b − c मैट्रिक्स में। तो b − c ये रही, इसमें हम ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, 1 − 1 तो हमारा हो गया 0, 2 − 2 ये भी हो गया 0, −3 + 0 ये आ गया −3, ऐसे 5 + 4 आ गया 9, −1 5, 2 1 1, क्या हमें दिखाई दे रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। सेम ही मैट्रिसेस दोनों तरफ हमारी निकल कर आई हैं, सेम ऑर्डर है इनका, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, और सेम ही इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इनके इक्वल हैं, सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है कुछ, और एक मैट्रिक्स बी हमें गिवन है कोई मैट्रिक्स, और हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है 3a − 5b। तो हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसके हर एलिमेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 by 3 × 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 2, 3 × 1 3, 5 by 3 × 3 5,
वन बाय थ्री इंटू थ्री करेंगे तो वन, यहाँ बचेगा टू, यहाँ फोर, यहाँ सेवन, यहाँ थ्री इंटू टू यानी सिक्स, और यहाँ बचेगा टू, ये तो है थ्री ए। और ऐसे ही हम फाइव बी मेट्रिक्स बना लेते हैं। फाइव बी मेट्रिक्स यानी बी मेट्रिक्स के हर एलिमेंट को फाइव से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो टू थ्री फाइव वन टू फोर सेवन सिक्स टू, ऐसे ही हमारे पास मेट्रिसेस आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम करते हैं सबट्रैक्ट। टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, वन माइनस वन जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, सेवन माइनस सेवन जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, टू माइनस टू जीरो, तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई जीरो मेट्रिक्स। एक जीरो मेट्रिक्स हमें यहाँ पर मिली है, जीरो मेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिंप्लीफाई दिस कॉस थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, हर एलिमेंट को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ आ गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे दूसरी मैट्रिक्स को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एलिमेंट को, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सब कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है ये वन के इक्वल होता है, तो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसे बनकर आ जाएगी। क्या बन गई, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स। तो एक्स प्लस वाई कोई मैट्रिक्स है और एक्स माइनस वाई भी कोई मैट्रिक्स है, हम क्या कर रहे हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स, तो क्या हमें मिलेगा, इधर की तरफ तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स प्लस एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10, 0, 2, 8, ऐसी एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो 2x मैट्रिक्स हो जाएगी, और वाई मैट्रिक्स में से वाई मैट्रिक्स अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे, वाई मैट्रिक्स वाई माइनस वाई मैट्रिक्स हो तो बनेगी जीरो मैट्रिक्स, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस ओ यानी जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10, 0, 2, 8, तो किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स रहती है, तो 2x इज इक्वल टू 10, 0, 2, 8, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2x अपॉन 2 हो गया x, और यहाँ हम 2 से डिवाइड करें यानी हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 0, 1 एंड 4, तो ये तो हमारे पास x मैट्रिक्स आ गई। ऐसी y मैट्रिक्स निकालते हैं, तो y मैट्रिक्स निकालने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग x प्लस y मैट्रिक्स एंड x माइनस y मैट्रिक्स। x प्लस y मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करके बनी है x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स, इसमें सब्ट्रैक्ट करें x माइनस y मैट्रिक्स, ये बनी होगी x मैट्रिक्स में से y मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऐसे कुछ, एंड दिस इज इक्वल टू, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 4, 0, 2, 2, ऐसी एक मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। अब वाई माइनस वाई करेंगे, सॉरी, तो इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 4, 0, 2, 2, तो x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, और y प्लस वाई करेंगे तो आ जाएगा 2y मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 4, 0, 2, 2, और 2y मैट्रिक्स प्लस 0 मैट्रिक्स तो 2y मैट्रिक्स, तो 2y मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, 0, 2, 2, डिवाइड कर देते हैं 2 से दोनों तरफ, तो y इज इक्वल टू हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 0, 1, 1, ये आ गई हमारे पास y मैट्रिक्स, तो x और y इस तरह से हमने फाइंड कर लिया।
नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सेम ऐसे ही दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं और एक्स और वाई मैट्रिक्स हमें फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, वन सेकेंड, तो इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है 2x+3y इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स एंड 3x+2y इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स, और हमें ये एक्स एंड वाई मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें पता है कि हमें एक कोई ऐसा ऐसी इक्वेशन हमारे पास बनकर नहीं आएगी जिसमें या तो सिर्फ एक्स मैट्रिक्स हो या फिर सिर्फ वाई मैट्रिक्स हो। तो इस तरह से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, ये जो 2x मैट्रिक्स है और 3x मैट्रिक्स है, हम ये कोशिश करते हैं कि इनके कोफिशियंट सेम हो जाएं, ताकि हम जब इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एक्स मैट्रिक्स जो है 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तब सब्ट्रैक्ट होकर दोनों, और हमें वाई मैट्रिक्स मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पहली पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और दूसरी पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वेशन इंटू 2 हमने कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दिस इक्वेशन इंटू 3 हमने कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट्स भी 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 6, 9, 12, 0 ऐसा कुछ मिल गया। और ये जो दूसरी वाली है इसको हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो हमें मिल गया 6 टाइम्स ऑफ एक्स मैट्रिक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट्स 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 -4 -2 एंड 10। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि हमें वाई मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्हें, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया कैंसिल आउट, 6x-6x ये तो हो गई 0 मैट्रिक्स बन गई, तो 0 मैट्रिक्स प्लस 9y-4y ये हमारे पास आ गई 5y, और यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर आ गई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करके, 6-4 2, 9-4 13, और यहाँ हो गया 14, और यहाँ आ गया माइनस का 10, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया किसी भी मैट्रिक्स में हम 0 मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स रहती है, तो 5y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा y मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 2/5, 13/5, 14/5 एंड -10/5 यानी -2। तो ये तो आ गई हमारी y मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हमें निकालनी है एक्स मैट्रिक्स तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं वाई मैट्रिक्स को, तो हमें पता है 2 x मैट्रिक्स + 3 y मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2, दिस इज इक्वल टू द मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 0, यानी 2 x प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 6/5, 39/5 और 42/5 एंड -6 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 0 दिस मैट्रिक्स। दोनों तरफ से अगर हम ये सेम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ तो बन जाएगी 0 मैट्रिक्स, और 2x+0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2x मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमें मिलेगा दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स 2, 3, 4, 0, इस मैट्रिक्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स 6/5, 39/5, 42/5 एंड -6, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ आ जाएगा 2 -6/5 यानी 4/5, 3 -39/5 तो ये हमारे पास आ जाएगा -24/5, 4 -42/5 तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास -22/5 एंड 0 -6 ये आ जाएगा 6, दोनों तरफ 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 2/5, -12/5, यहाँ आ गया -11/5 और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये है हमारी एक्स मैट्रिक्स और ये है हमारी वाई मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. वैल्यूज रख देते हैं, जस्ट सॉल्व करते चले जाते हैं. 2 इंटू एक्स मैट्रिक्स प्लस 3 2 1 4 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 दिस मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं दोनों तरफ से. 2x प्लस ये सेम मैट्रिक्स अगर हम दोनों तरफ से कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो हमें मिल जाएगी 0 मैट्रिक्स और यहाँ मिलेगा हमें 1 0 माइनस 3 2. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 2 1 4 ये वाली मैट्रिक्स. तो 2x प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 4 और 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2. 2x प्लस 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो सेम ही रहता है, सेम ही मैट्रिक्स मिलती है. तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2. इसका मतलब क्या है कि x मैट्रिक्स इक्वल है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ तो सारे एलिमेंट्स को यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इस मैट्रिक्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन. इसमें हमें बोल रहे हैं फाइंड x एंड y इफ दिस, एक इक्वेशन दे रखी है 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. तो 2 इंटू फर्स्ट वाली मैट्रिक्स अगर हम करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 0 2x, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं y 0 1 2, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है 5 6 1 8. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं तो 2 प्लस y 6 0 2x प्लस 2 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 6 1 8 दिस मैट्रिक्स. कॉरस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो 2 प्लस y इक्वल है 5 के, यानी y आ गया 5 माइनस 2 यानी 3 आ गई y की वैल्यू. और ऐसे ही 2x प्लस 2 ये इक्वल है 8 के, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है यानी 2x इज इक्वल टू 6, तो x भी हमारा आ जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंथ क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू दिस मैट्रिक्स. तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले 2 इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स किया तो हर एलिमेंट 2 से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2x 2z 2y 2t. उसमें हमें ऐड करना है 3 इंटू दिस मैट्रिक्स, तो 3 से इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस 3 0 6 और ये इक्वल है 3 इंटू दिस मैट्रिक्स यानी 3 से इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 15 12 एंड 18. ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 9 15 12 और 18 जिसके एलिमेंट्स हैं. दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो 2x प्लस 3 हमें मिल गया 9, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 6, तो x तो हमारे पास आ गया 3. ऐसे ही 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू हो गया 18, तो z हमारे पास आ गया 9. सिमिलरली 2y आ गया 12, तो y हमारे पास आ गया 6 और 2t, ये t है, 2t प्लस 6 ये है 18, तो 2t हमारे पास आ गया 12, तो t की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. इसमें क्या बोल रहे हैं, सेम बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 2x 3x, और वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट को तो माइनस वाई वाई, ये हमें इक्वल दे रखा है इस मैट्रिक्स के जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 10 और 5. तो इसका मतलब क्या है, 2x माइनस वाई और यहाँ बन जाएगी 3x प्लस वाई, ये मैट्रिक्स बन जाएगी ऐड करके, दिस इज इक्वल टू 10 5. दो इक्वेशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए और हमें मिला 5x इज इक्वल टू 15 यानी x इज इक्वल टू 3. ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 यानी 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y हमारा कितना आ गया 6 माइनस 10 यानी y आ गया माइनस का 4, x हो गया 3 और y हो गया माइनस
ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह का ही क्वेश्चन है, तो हम फटाफट से इसको कर देंगे। LHS पर तो क्या दिखाई दे रहा है, 3x, 3y, 3z, 3w, है ना। सारे एलिमेंट्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स के। दिस इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स का सम, तो ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, और यहाँ क्या आएगा, -1 प्लस z प्लस w, और यहाँ आएगा 2w प्लस 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके इक्वल होने हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3x इक्वल होना चाहिए x प्लस 4 के। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 2। ऐसे 3w किसके इक्वल होगा, 2w प्लस 3 के। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यानी 3w माइनस 2w, यानी w इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू भी आ गई। और हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है 3z इज इक्वल टू, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। w की वैल्यू तो हम 3 रख देते हैं यहाँ पर, और z को इधर ले आते हैं, तो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, 2z इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू आ गई 1। और क्या बचा है, अब हमारे पास वैल्यू बची है निकालने के लिए, x की हमने निकाल ली और w की और z की, तो y की और निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स तो 2 है ही, और वाई को उधर ले जाते हैं, 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स की जगह रख दिया 2, तो हमारे पास आ गया 2y इज इक्वल टू 8, यानी y की वैल्यू निकल कर आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 13th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। एफ ऑफ एक्स ये मैट्रिक्स है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, इस फंक्शन में जब हम वाई डालेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पर यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर आ जाएगा वाई, तो एफ ऑफ वाई बन जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो RHS में हमें दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें एक्स की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वाई होगा, तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई, दूसरा बनेगा एलिमेंट इसका साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो 0 ही रहेगा, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0 ही रहेगा, एंड 0, 0, 1, ऐसे कुछ मैट्रिक्स हमारे पास बनकर आएगी। तो RHS तो हमें मिल गया, LHS में हमें क्या करना है, LHS हमें सॉल्व करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करके, तो इन दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को करते हैं मल्टीप्लाई। दोनों 3x3 मैट्रिक्स हैं, तो हमें 3x3 मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये आ गया कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यानी माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, यानी 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये आ गया माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस 0 इंटू 0, तो 0 ही रहेगा। और उसके बाद जब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, कॉस एक्स इंटू 0, 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0, 0 एंड प्लस 0 इंटू 1, यानी 0, तो यहाँ तो 0 ही रहने वाला है। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, और फिर सेकेंड को सेकेंड से, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0, और फिर थर्ड इसको करेंगे सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, तो साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये तो 0 ही आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0, ये तो 0 है। फिर 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0 है। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1।
अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये है हमारी आइडेंटिटी कॉस एक्स प्लस वाई की। और अगर इसमें से हम माइनस ले लें कॉमन तो क्या बचेगा अंदर, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स प्लस वाई की, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तो जीरो है ही, ऐसे यहाँ हमें आइडेंटिटी कौन सी दिखाई दे रही है, ये हमें दिखाई दे रही है आइडेंटिटी साइन एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ हमें आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है कॉस एक्स प्लस वाई की, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पर है हमारे पास ज़ीरो, और नीचे क्या है ज़ीरो ज़ीरो और वन, तो ये हमें दिखाई दे रहा है जो हमें मैट्रिक्स मिली है 3x3 ऑर्डर की है, और एफ एक्स प्लस वाई ये भी 3x3 ऑर्डर की, सेम ऑर्डर हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें इनके इक्वल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शो दैट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स ए है ये बी है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें शो करना है। तो पहले हम एल एच एस इसका सॉल्व करते हैं, क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 1 - 6 - 7 इस मैट्रिक्स को 2 - 1 - 3 - 4 इन एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स के साथ, तो करेंगे हम रो बाई कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट वाइज क्या आ जाएगा 5 × 2 यानी 10 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 7, फिर 5 × 1 - 4 तो ये आ जाएगा 1, 6 × 2 यानी 12 - 20, 6 × 2 हो गया हमारा 12 और प्लस 21 तो ये हो जाएगा 33 और 6 + 28 यहाँ हमारा हो जाएगा 34, ये तो आ गई एल एच एस। ऐसे निकालते हैं हम आर एच एस, आर एच एस में हमें क्या करना है बी बी इंटू ए निकालना है, 2 - 1 - 3 - 4 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 - 1 - 6 - 7 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी हम रो बाई कॉलम, क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 6 यानी ये आ गया 16, -2 + 7 तो ये आ गया 5, 15 प्लस 24 तो ये आ गया 39 और -3 + 28 तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, ऑर्डर तो इनका सेम है लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, यानी एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, यही हमें शो करना था। सेकेंड पार्ट में भी इसके हमें यही करना है, दो मेट्रिसेस दे रखी हैं तो हमें शो करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो एल एच एस करते हैं पहले, एल एच एस करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x3 मैट्रिक्स मेट्रिसेस हैं दोनों तो 3x3 मैट्रिक्स मिलेगी, 1 × -1 करेंगे तो -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2 तो -1 + 6 ये आ जाएगा 5, फिर 1 - 2 + 9 तो ये आ जाएगा 8 और फिर आएगा हमारे पास 0 + 2 + 12 तो ये आ जाएगा 14, ऐसे ही सॉल्व करते चले जाते हैं, ये तो 0 हो गया और 0 और 0 यहाँ तो 0 ही आ गया, फिर ऐसे ही सॉल्व करते करते हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ -1 0 और 1, एल एच एस तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसे आर एच एस निकालेंगे तो आर एच एस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम एलिमेंट वाइज, तो -1 + 0 + 0 तो यहाँ तो आ गया हमारे पास -1, फिर -1 × 2 - 2 + 1 + 0 तो ये भी आ गया -1, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा -3, 1 - 0 - 0 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 4 यानी 6 और 11 और ये आ जाएगा दिस इंटू दिस करेंगे 6। ठीक है, तो हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, सेम ऑर्डर की मेट्रिसेज हैं लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि सेम नहीं है इसलिए एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। 15th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी ए ए ए स्क्वायर माइनस 5a + 6i हमें निकालनी है, तो ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी से,
2 0 1 2 1 3 1 -1 0 से। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो आता है आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी वैल्यूज 2 × 2 किया 0 × 2 किया 1 × 1 किया, तो यहाँ तो आ जाएगा 5। और ऐसे ही 5 ऐसे ही सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9, -2 5, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0, और इसके बाद आ जाएगा -1 और -2। ठीक है, तो ये तो आ गया ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर -5a + 6i। तो एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली जो हमने अभी बनाई है ए स्क्वायर करके, और उसमें हमें सबट्रैक्ट करनी है 5 × a। तो ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी 5a। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 10 0 5 10 5 15, और यहाँ बन जाएगा 5 - 5 0। उसमें हमें ऐड करनी है 6 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब मैट्रिसेस ऑर्डर 3 की हैं, तो हम यहाँ ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, 1 1 1, डायगनल एलिमेंट्स 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे इसके 0। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 6 6 6 × 1 6, डायगनल भी सारे एलिमेंट 6 हो जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 ही रहने वाले हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं इसी तरह से। तो हमें हमारे पास क्या आएगा, ये 6 यहाँ 6 और यहाँ 6, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। अब तो हम इन्हें बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 - 10 + 6 है ना, यानी -5 + 6, तो यहाँ आ जाएगा 1, ऐसे -1 - 0 + 0, तो यहाँ आ जाएगा -1। ऐसे ही आप इनको जस्ट बस ऐड करना है आपको इन्हें, तो ऐड करके हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी, 4 - 2 + 6 यानी 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें पहले हमें a का क्यूब फाइंड करना है, तो a का क्यूब फाइंड करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू ए। तो जब आप ए स्क्वायर करेंगे यानी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करेंगे आप मैट्रिक्स ए को ही, तो मल्टीप्लाई करना तो अब आपको आता ही है बहुत अच्छे से, तो आपके पास क्या मैट्रिक्स निकल कर आएगी, एक 3 by 3 मैट्रिक्स ही निकल कर आएगी, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको मिलेंगे 5 0 8 2 4 5 8 0 and 13। फिर ए क्यूब निकालने के लिए आप करेंगे ए की मल्टीप्लाई, ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली है 5 0 8 यानी ए स्क्वायर 2 4 5 8 0 13, इसमें एक बार फिर से हम ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मैट्रिक्स यानी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ए क्यूब किसके इक्वल है, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए की, तो आपको फिर से एक 3 by 3 मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप सेम वैसे ही मल्टीप्लाई इसको करेंगे, एलिमेंट्स आएंगे 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब लिख लेते हैं पहले क्या है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। इसमें से हमें माइनस करना है 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के हर एलिमेंट को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसे बना लेते हैं 6 × 5 हो जाएगा 30 6 × 0 0 6 8 48 12 और 24 एंड 30, और यहाँ आएगा 48, यहाँ आएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 78 + 7a। a के एलिमेंट्स को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा हमें, 7a है हमारे पास, तो a के हर एलिमेंट को हम, a हमारे पास ये है, a के हर एलिमेंट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और साथ में ऐड करनी है 2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल पे आ जाएंगे 2 2 2, और बाकी सब जगह तो 0 ही रहने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 1 1, डायगनल पे 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल के एलिमेंट्स सब 2 हो जाएंगे, बाकी 0 ही रहेंगे।
तो सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, जब आप करेंगे आपको मिलेगा 0, 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ भी 0 मिलेगा। से आप सबको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको मिलेगी एक 0 मैट्रिक्स यानी ओ, ठीक है, 0 मैट्रिक्स हमें एक मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखी है ए मैट्रिक्स कुछ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास। फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो पहले तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ए को ए से करते हैं मल्टीप्लाई, ए को हमने ए से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा हमारे पास रो बाई कॉलम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, तो हमारे पास आएगा कुछ 3 × 3 और फिर 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। ये तो है हमारी एल एच एस। आर एच एस में हमें क्या दे रखा है, आर एच एस में दे रखा है के इन टू ए। तो ए मैट्रिक्स को हम पहले के से मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से। तो क्या क्या हमें मिलेगा, ए मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K ऐसा मिलेगा, -2 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगनल पे 1 1 है और बाकी सब जगह 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल पे 2 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, 3K माइनस 2 माइनस 2K 4K माइनस 2K माइनस 2। और हमें बोला गया है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। 3K माइनस 2 1 के इक्वल है, यानी K किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 यानी 3, 3 बाय 3 यानी 1 के इक्वल है। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं, -2 के इक्वल है -2 के, तो के इक्वल है 1 के, ठीक है सही आ रहा है। 4 के इक्वल है 4 के, तो के इक्वल है 1 के की वैल्यू यहाँ भी यही निकल कर आ रही है। और -2 के -2 इक्वल है -4 के, तो -2 के इज इक्वल टू -2 यानी के इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया कि के की वैल्यू 1 है। ऐसे ही हम 18th क्वेश्चन को देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा दिस मैट्रिक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी हमें लगानी पड़ेगी। तो 18th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आई हमारी क्या बन जाएगी, डायगनल में हम लिख देंगे 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। ये 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये ऑर्डर 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम इसके LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, I प्लस A। तो हमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें हम ऐड करते हैं अपनी मैट्रिक्स A, -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। तो हमें क्या मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 0, यहाँ मिलेगा -10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ मिलेगा 1, ठीक है। ये तो आ गया हमारा LHS। अब RHS को देखते हैं, तो RHS में हमें दिखाई दे रहा है I माइनस A में मल्टीप्लाई करनी है हमें दिस इस मैट्रिक्स की। तो I माइनस A यानी 1 0 0 1, इसमें से हमें माइनस करनी है गिवन मैट्रिक्स 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, और जो कुछ भी आएगा उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, इन्हें अगर हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2 यानी 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 यानी -10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 यानी 1। इन दोनों मैट्रिसेस को हम करते हैं मल्टीप्लाई और हम देखते हैं कि क्या हमें LHS के बराबर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, तो 2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी, 2 रोज 2 कॉलम, 1 × cos alpha + 10 alpha by 2 × sin alpha। तो पहला तो हमारा आ गया एलिमेंट cos alpha प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा आ जाएगा -sin अल्फा प्लस cos अल्फा
अल्फा बाई टू। ठीक है, बंद कर देते हैं इस मैट्रिक्स को। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। और सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा तो यहाँ पर है ही, प्लस साइन अल्फा यहाँ पर है, और टेन अल्फा बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसे ही हम माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई टू को हम लिख देते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। सेम ऐसे ही बाकी दोनों को हम चेंज करेंगे, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और ऐसे नेक्स्ट को करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन, वन सेकेंड, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं इनको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू आ गया एलसीएम, ऊपर आएगा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसे इधर भी कॉस अल्फा बाई टू, ये तो आ गया एलसीएम, और हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये क्लियर सा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ रहा था, कॉस अल्फा बाई टू तो आ गया था यहाँ एलसीएम में, और यहाँ आया है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, और ऐसे ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू तो है, और यहाँ पर प्लस में हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, और एलसीएम था यहाँ नीचे कॉस अल्फा बाई टू। फोर्थ एलिमेंट साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये हमें आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस अल्फा बाई टू। ऐसे यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी साइन ए माइनस बी, यानी अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, और अपॉन में है यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू। यह हमें आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास साइन ए है यहाँ पर अल्फा, बी है यहाँ पर अल्फा बाई टू, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये तो है ही नीचे, और यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी, नहीं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर आएगा साइन माइनस अल्फा बाई टू, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, कैंसिल हो गई, ये तो वन बन गया, माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये बन गया माइनस टेन अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू बन गया टेन अल्फा बाई टू, और ये दोनों कैंसिल हो गए, यह आ गया वन। क्या दिखाई दे रहा है हमें, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
19th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, एक ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। टोटल 30,000 रुपीज है, उन्हें दो तरह के बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्ट करना है। पहला बॉन्ड है जो 5% इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड है जो 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। यूजिंग मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800। हमें 30,000 रुपीज़ को दो बॉन्ड्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड जो हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है, एक बॉन्ड जो हमें 7% इंटरेस्ट दे रहा है, और इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि एक साल बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹1,800 होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नहीं यूज़ कर रहे होते तो सिंपल हमें पता था कि अगर सपोज हम ये अज्यूम कर लें कि हमने ₹X इन्वेस्ट किए हैं, लेट ₹X आर इन्वेस्टेड इन बॉन्ड वन। बॉन्ड वन में हमने अगर ₹X इन्वेस्ट किए हैं तो इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड टू में हमने कितने ₹ इन्वेस्ट किए होंगे? हमने इन्वेस्ट किए होंगे 30,000 माइनस एक्स रुपीज़, इतने रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए होंगे बॉन्ड टू में, क्योंकि इन दोनों में जो टोटल रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने हैं, 30,000। तो हम ये मान रहे हैं कि एक्स रुपीज़ हमने बॉन्ड वन में डाल दिया और 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ हमने बॉन्ड टू में डाल दिया। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इनका फाइंड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो दोनों बॉन्ड्स का अगर हम इंटरेस्ट मिलाकर ऐड करें तो वो कितना आना चाहिए, 1,800 हमारे पास आना चाहिए। तो हमें एक्चुअल में अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं यूज़ कर रहे होते तो हमें क्या करना चाहिए था, पहले हम पहले बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो निकालते हैं। तो प्रिंसिपल है वहाँ पर एक्स, इंटू रेट है 5, इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, और दूसरे बॉन्ड से जो इंटरेस्ट उसको मिलता वो कितना होता, 30,000 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल होता, इंटू जो भी उसका रेट है 7, इंटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। ये हमें वैल्यू देगा टोटल इंटरेस्ट की। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल अमाउंट हमारी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, रेट से मल्टीप्लाई हो रही है, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट रेट से मल्टीप्लाई हो रही है और उन्हें हम ऐड कर रहे हैं। तो हम दो मैट्रिसेस बना लेते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट की और एक रेट की। सपोज़ ये मैट्रिक्स ए हमने बनाई है, ये हमें बता रही है प्रिंसिपल अमाउंट कितना कितना है। पहले बॉन्ड में हमने एक्स रुपीज़ डाले हैं, दूसरे बॉन्ड में हमने 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ डाले। एक बी मैट्रिक्स हम बना लेते हैं जिसमें है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पर एनम, कितना रेट ऑफ़ इंटरेस्ट हमें दे रहा है। पहला बॉन्ड हमें दे रहा है 5/100 और दूसरा बॉन्ड हमें दे रहा है 7/100, इतना दे रहा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है कि इसका ऑर्डर हमारा क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम 1/2। इसका ऑर्डर क्या है, हमने इस तरह से बनाया है, 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो ए इंटू बी हम कर लेते हैं जस्ट। ए भी जब हम करेंगे तो हमें एक 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी और वैल्यू क्या आएगी उसमें, एक्स इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एक साल में दोनों बॉन्ड्स में मिलाकर। तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए 1,800 के, ठीक है। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1,800। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, दो मैट्रिक्स हैं इक्वेट करते हैं इन्हें, तो 5x हमारे पास आ जाएगा, 5x प्लस 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,800। 100 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस, तो हमारे पास आ जाएगा 4x, एक 7 भी है सॉरी, इसमें एक 7 और है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं जरा, हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 21, 1, 2, 3, 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 180,000, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यानी माइनस 2x इज इक्वल टू 180,000 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 210,000, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30,000।
एक्स हमारे पास आ जाएगा ₹15,000। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹15,000, और तो फर्स्ट बॉन्ड में तो इतने रुपीज़ हम इन्वेस्ट करें, सेकेंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करेंगे, 30,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस 15,000 यानी दूसरे में भी हम 15,000 ही इन्वेस्ट करें। सेम ऐसे ही हम इसको सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी हमें दिखाई दे रहा है हमें दो मेट्रिसेस बनानी है। हम कह रहे हैं पहले बॉन्ड में हमने डाले हैं ₹Y और दूसरे बॉन्ड में हमने डाले हैं 30,000 माइनस ₹Y। और बी मेट्रिक्स हमारे पास है जो हमें हमारे रेट को इंडिकेट कर रही है, 5/100 एंड 7/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बार हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, इस बार हमें इंटरेस्ट चाहिए ₹2,000। मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 5/5y/100 प्लस 30,000 माइनस y इंटू 7/100, दिस इज इक्वल टू 2,000। इक्वेट कर देते हैं दोनों मेट्रिसेस की वैल्यूज को, तो हमारे पास आएगा 5y प्लस 21 4 माइनस 7y इज इक्वल टू 2 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई हमारा कितना आ जाएगा, वाई हमारा आ जाएगा ₹5,000। वाई किया था बॉन्ड वन में जो हमने इन्वेस्ट किए थे, तो बॉन्ड फर्स्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बार ₹5,000, और बॉन्ड सेकेंड में हम कितने इन्वेस्ट करेंगे, 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हमें ₹1,800 इंटरेस्ट चाहिए तो हम दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हमें 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए तो हम पहले में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और दूसरे बॉन्ड में जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है जिसका, उसमें 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम आते हैं 20th क्वेश्चन पर। इसमें कह रहे हैं द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक बुक्स, और उनके सेलिंग प्राइस हमें कुछ कुछ दे रखे हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मेट्रिक्स एलजेब्रा। सारी बुक्स को बेचकर उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं दो मेट्रिसेस बनाते हैं। एक मेट्रिस जिसमें है नंबर ऑफ बुक्स 10 dozen यानी 10 × 12, 1 dozen में कितनी हो जाएंगी, 12 बुक्स हो जाएंगी, तो 10 dozen में 10 × 12 यानी 120 बुक्स तो हो गई केमिस्ट्री की, 8 × 12 यानी 96 बुक्स हो गई फिजिक्स की, और 10 × 12 यानी 120 बुक्स हो गई इकोनॉमिक्स की। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो भी सेलिंग प्राइजेस हैं बुक्स के। तो पहली वाली का सेलिंग प्राइस यानी केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस है ₹80, और फिजिक्स का है ₹60, और इकोनॉमिक्स का है, एक बुक इकोनॉमिक्स की मिलती है ₹40 की। मल्टीप्लाई इनको करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये है हमारी 1/3 मैट्रिक्स और ये है हमारी 3/1 मैट्रिक्स, एक 1/1 मैट्रिक्स मिलेगी हमें। 120 × 80 ये आ जाएगा 9600 प्लस 96 × 60, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 5760, और 120 × 40 तो ये आ जाएगा हमारा 4800। ऐड कर लेते हैं इन सबको, जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि टोटल कितना अमाउंट उस बुक शॉप को मिलेगा ये सारी बुक्स को सेल करके। तो ऐड करके इन्हें क्या आ जाएगा, इन्हें ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 20160। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ₹20160 इतने रुपीस मिलेंगे जब वो इन सारी बुक्स को सेल कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, MCQ है अभी। इसमें कह रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये सब मेट्रिसेस हैं और इनके ऑर्डर्स हमें दे रखे हैं, एक्स का है 2/n, वाई का है 3/k, जेड का है 2/p, और डब्ल्यू का है n/3, पी का है p/k। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22, करेक्ट आंसर हमें बताना है। हमें बोला है एन के और पी पर क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड हो, ठीक है। तो 21 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं,
हमें क्या चाहिए, पी वाई भी डिफाइंड होना चाहिए और डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड होना चाहिए। पी इंटू वाई, दो मेट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रोज। तो जो हमारी पी मेट्रिक्स है, पी मेट्रिक्स, उसमें हमें पता है कि उसका जो ऑर्डर है वो है पी बाई के, और जो हमारी वाई मेट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, वाई मेट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 बाई के। ये पी वाई प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, ये सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब ये के इज इक्वल टू 3। तो इससे हमें पता चला के 3 होना चाहिए, तभी हम पी इंटू वाई कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे अगर हम डब्ल्यू इंटू वाई करना चाह रहे हैं, तो वाई तो हमें पता है वाई मेट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 बाई के। डब्ल्यू मेट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं क्या है, डब्ल्यू मेट्रिक्स का ऑर्डर है n/3। तो ये तो प्रोडक्ट डिफाइंड है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर हमें करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, अब ये जो दोनों मेट्रिसेस आ गए इनको हम ऐड करना चाहते हैं, ये ऐड कब हो सकते हैं, जब पी वाई और डब्ल्यू वाई दोनों सेम ऑर्डर की मेट्रिसेस हों। ठीक है, तो यहाँ पी वाई जो मेट्रिक्स हमारे पास बनकर आ रही है उसका ऑर्डर हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसका ऑर्डर बनेगा पी बाई के, ये इंटू ये पी बाई के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक मेट्रिक्स एम बाई एन को दूसरी मेट्रिक्स एन बाई पी ऑर्डर से ऑर्डर की मेट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मेट्रिक्स बनकर आती है उसका ऑर्डर होता है एम बाई पी। तो पी बाई के को जब हम 3/k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा पी बाई के। ठीक है, और डब्ल्यू वाई मेट्रिक्स ये जो बनेगी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होगा एन बाई के, इसका ऑर्डर होगा एन बाई के। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम सम करना चाह रहे हैं, वो सम सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। के तो हमें दोनों जगह सेम दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ रोज भी दोनों में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या रेस्ट्रिक्शन हमारे पास निकल कर आती है कि पी एन के इक्वल होना चाहिए। तो हमें दो कंडीशंस मिली कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये सॉल्व करना पॉसिबल है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई सॉल्व करना पॉसिबल है। एक तो के 3 होना चाहिए, दूसरा पी एन होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन, ऑप्शन ए हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 में हमें बोल रहे हैं अगर n p के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x-5z इज व्हाट। ठीक है, 7x, x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमें दिखाई दे रहा है, इसका ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 2/n। तो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ऑर्डर तो उसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ अंदर के सारे एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो 7x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2/n ही है। ठीक है, 5z मैट्रिक्स को देखते हैं, 5z, तो z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/p। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे सारे एलिमेंट्स को तब भी ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, है ना। तो हमें बोल रहे हैं कि n जो है वो p के इक्वल है, तो पहले तो हम ये देखते हैं अगर हम 7x-5z कर रहे हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, वो हमें एक जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है और जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये दोनों तो ऑर्डर सेम होंगे तभी हम इनको सेपरेट कर पाएंगे। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो 2/n है और ये 2/p है ये तो इक्वल ही होने हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/n कह दो चाहे 2/p कह दो एक ही बात है, क्योंकि n और p तो इक्वल है। तो देख लेते हैं 2/n या 2/p में से हमें जो कुछ भी मिलेगा वही हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ हमें 2/p तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है 2/n, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारे पास निकल कर आ गया आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है आज हमारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। और जो कुछ भी हमने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर इनके नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।